गाइस 22 मार्च अब ये 22 मार्च हमारे जो भी फ्री फायर प्लेयर हैं उनके लिए भाई बहुत ही अच्छा सा दिन होगा, क्योंकि आने वाले 22 मार्च को आएगा अपना OB39 का अपडेट। अब अपडेट तो हर एक दो महीने के बाद आता है, लेकिन ये जो अपना OB39 का अपडेट होगा ये सबसे बड़ा अपडेट होगा, क्योंकि अपडेट के बाद गरेना हमारे जो गाइस ओल्ड डेज थे, ठीक है, ओल्ड गेम का एक्सपीरियंस, ओल्ड गेम के आइटम और भाई अपना पहले का मजा भाई फिर से रिटर्न में लाने वाला है। तो इसलिए आज हम लोग फिर से बात करेंगे OB39 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर होने वाले टॉप 5 चेंजेस के बारे में। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके उसे भी चेकआउट कर लेना। बात करते हैं अपने चेंजेस नंबर 1 के बारे में। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले हमारे गेम के अंदर पॉइजन जोन हुआ करता था, और जो पॉइजन जोन था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि अगर हम इसके अंदर भाई एंटर होते थे तो हमारा जो बॉडी वेस्ट था वो डैमेज होता रहता था। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि गरेना ने ऑफिशियली एक सर्वे आउट किया है, ठीक है, जिसके अंदर पॉइजन जोन को रिटर्न में आने की बात करी है। अब गरेना ने भाई खुद पॉइजन जोन के बारे में बात करी है, तो आपको ये OB39 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक मुझको लगता है ये जो पॉइजन जोन हमारे गेम के अंदर आएगा तो भाई गेम को खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा, है ना, क्योंकि भाई ओल्ड वाइब फिर से आएगी। वैसे अगर सच कहूँ तो गरेना को पॉइजन जोन को हटाना ही नहीं चाहिए था, है ना भाई, मजा आता था खेलने में। बात करते हैं अपने चेंजेस नंबर 2 के बारे में। एक जमाना हुआ करता था जब हमें भाई कालाहारी मैप को डाउनलोड नहीं करना पड़ता था, ठीक है, गाइस ऑलरेडी डाउनलोड होके आता था और क्लैश कोड खेलो या फिर क्लासिक मैच खेलो भाई दोनों के रैंक के अंदर ये मैप आता था। लेकिन अचानक गरेना का भाई दिमाग सटक गया और गरेना ने भाई जो अपना कालाहारी मैप था उसे रैंक के अंदर से हटा दिया। मतलब कि भाई गरेना ने ऐसी चीजों को गेम से हटा दिया जो कि भाई खेलने में सच में मजा आता था। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, ठीक है, गरेना ने सर्वे के अंदर फिर से जो अपना कालाहारी मैप है उसे भाई फिर से रैंक मैच के अंदर रिटर्न में लाने की बात करी है, ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं अपने चेंजेस नंबर 3 के बारे में। हर अपडेट के बाद हमारा रैंक सीजन चेंज होता है और हर रैंक सीजन चेंज होने के बाद उसके साथ में गाइस अपना जो रैंक सीजन का बंडल होता है वो भी चेंज होता है। यानी गाइस रैंक सीजन चेंज होने के बाद रैंक टोकन के अंदर से हम लोग नया बंडल को एक्सचेंज कर सकते हैं। इस टाइम पे तो हमारे रैंक सीजन के अंदर ये वाला फीमेल का बंडल है, जो कि गाइस मैं तुम्हें सच कहूँ तो मुझे ये वाला बंडल गाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, ठीक है, और मैंने इसे निकाला भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको भी मेरी तरह ये वाला बंडल पसंद नहीं आया है तो आपको अपना नेक्स्ट रैंक सीजन का बंडल बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपडेट के बाद जैसे ही अपना नया रैंक सीजन स्टार्ट होगा इसके अंदर आपको ये वाला मेल का बंडल देखने को मिल जाएगा। कसम से यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वाला मेल का बंडल भाई गजब का होने वाला है। बाकी गाइस आपको न्यू रैंक टोकन बंडल कैसा लगा कमेंट के अंदर बता देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। बात करते हैं अपने चेंजेस नंबर 4 के बारे में। अब यार भाई तुम अगर चेंजेस नंबर 4 को सुनोगे तो भाई पूरा तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। अब गाइस कंफर्म है या फिर नहीं है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस मुझे लीक मिली है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात गरेना ने ऑफिशियली सर्वे के अंदर भी नोट करी है। तो चेंजेस ये है कि अपडेट के बाद गरेना वॉच एड एंड गेट डायमंड का इवेंट फिर से रिटर्न में ला रहा है। अब ये बात तो भाई सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है ना, कि मतलब कि भाई गरेना एक डायमंड भी हमें फ्री में नहीं देता है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, अगर गरेना वॉच एड एंड गेट डायमंड का इवेंट फिर से रिटर्न में लाता है तो फायदा गरेना का भी होगा और हमारा भी होगा, ठीक है, क्योंकि गरेना को भाई एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं और हमें एड देखने के बदले में डायमंड मिलेंगे। अब ये जो इवेंट है गाइस ये इवेंट बहुत टाइम पहले हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी था, ठीक है, आपको पता होगा, और गरेना ने इस इवेंट को इसलिए हटा दिया कि भाई हमारे इंडियन सर्वर में भाई बहुत सारे लोग टॉप अप करने लगे, ठीक है, तो भाई गरेना ने वॉच एड एंड गेट डायमंड का ऑप्शन हटा दिया, क्योंकि भाई गरेना को भाई डायमंड से टॉप अप करने के बदले में पैसे मिल रहे हैं, तो भाई वॉच एड का क्या मतलब है ना। तो देखते कि भाई अपडेट के बाद अपना ये इवेंट हमारे गेम में आता है या फिर नहीं। बाकी गाइस आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि ये इवेंट हमारे गेम में आना चाहिए या फिर नहीं। बात करते हैं हम लोग चेंजेस नंबर 5 के बारे में। तो हमारे OB39 अपडेट के बाद आपको देखने को मिलेगा अपना पिंक डायमंड फिर से रिटर्न में। आपको याद होगा ये जो पिंक डायमंड है गाइस उसे हम लोग दो तरीके से ले सकते थे। पहला तो हम इसे भाई स्टोर से डायमंड से भी परचेस कर सकते थे, और दूसरा हम लोग इवेंट को कम्प्लीट करके भी पिंक डायमंड को ले सकते थे। लेकिन लास्ट में फायदा तो इसका यही था कि हम लोग इसका यूज करके भाई रिवॉर्ड को
क्लेम कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे गाइस गरेना ने अपने पिंक डायमंड को भी सर्वे के अंदर नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे गाइस पॉसिबल तो है, लेकिन भाई कंफर्म भी है कि आपको अपडेट के बाद अपना पिंक डायमंड फिर से रिटर्न में देखने को मिल जाए। कसम से यार, मैं तो तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ कि भाई मैं तो OB39 अपडेट का भाई कसम से यार बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ मैं तो। और हाँ, हमने इस सीरीज के ऊपर पार्ट 1 बनाया, ये पार्ट 2 बनाया और पार्ट 3 भी आने वाला है, ठीक है। तो जो भी इसका पार्ट 3 देखने के लिए इंटरेस्टेड है गाइस, वो कमेंट के अंदर पार्ट 3 जरूर लिखना। बाकी वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।